नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। आज एक बहुत ही कमाल के फनकार के साथ मुलाकात हुई, मैंने सोचा कि आप सभी से रूबरू जरूर करवाता हूं। दरअसल सुर के शौकीन, सुर को समझने वाले जो लोग हैं वो इस प्रोग्राम को जरूर देखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें सुरीले लोग मिलते नहीं हैं, ये मिलते हैं तो कम मिलते हैं। तो आज ये बड़ा अच्छा मौका है कि तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ बैठे हैं। तनवीर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया और हमारे साथ बात करने का मौका दिया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अमित भाई आपका और नवप्रभा देखने वाले सभी लोगों का, और उनको सभी को सलाम पेश करता हूँ। इनके बारे में एक छोटी सी बात बता दें कि डैडी फिल्म में इनका एक बड़ा ही खूबसूरत इनकी कवाली थी, और अब सूफी के क्षेत्र में बड़ा ही बढ़िया काम कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं हमारे देश का। तो मैं चाहूँगा कि एक जो डैडी फिल्म में गाना था आपका वो हो जाए, उससे शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, और मैं बताना चाहता हूँ कि साजिद वाजिद भाईजान जिन्होंने मुझे इस फिल्म में गाने का मौका दिया है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका। और जो अभी मैं आपको वही गाना सुनाता हूँ। ईद के रोज दुश्मन भी गले लग जाते हैं, ईद के रोज दुश्मन भी गले लग जाते हैं, दुश्मनी कितनी भी हो सब ईद पे भूल जाते हैं। मुबारक है जश्न ईद मुबारक, मुबारक है जश्न ईद मुबारक, है जश्न वाला दिन ये है जश्न वाली रात, यारों की हो रही है यारों से मुलाकात। मुबारक है जश्न ईद मुबारक। क्या बात है, क्या बात। तो इस एक चंद पंक्तियों से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इनकी रेंज क्या है। किस मैंने सुना है कुछ आपके मित्र, जो आप तो बताते नहीं हैं लेकिन आपके मित्र बताते हैं कि आप खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब से भी दो तीन सुर ऊपर गाते हैं नोट, तो इसमें इसके बारे में बताएं। ये आप बताते नहीं हैं, छुपा कर रखते हैं। जी वो ऐसे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ऐसे हो चुके हैं कि मैं तो अपना आइडल उनको मानता हूँ। पहले तो मेरे फादर हैं उस्ताद रशीद साहब डी जी, उस्ताद शकील साहब डी जी, जिनसे मैंने तालीम हासिल की। बट उसके बाद जो खान साहब को जब मैंने सुना बचपन में, तो क्योंकि हमारा ख़ानदान भी कवाली से ताल्लुकात रखता है, और खान साहब का दौर तो ऐसा है माशाल्लाह कि उनको गए हुए जन्नत में गए हुए उनको 20 साल हो गए, पर अभी भी वो हमें ऐसा लगता है उनके म्यूजिक सुन के कि वो यहीं है। बिल्कुल। और जब उनको सुना, उनके अला सरगम सुनी, उनके कलाम सुने, तो फिर मैं उनके जैसा बनना चाहता था। तो ये घर वालों की, बुजुर्गों की मेहनत है, और हमारा जो एक सर्कल है वैसा, बुजुर्गों को भी वो पसंद थे। उनके उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के जो अब्बा थे फतेह अली साहब, उन्होंने कवालों का जर्नैल कहा, अच्छा। उनको कवालों का जर्नैल कहते क्या बात? तो बस वही उनको ही सुनते रहना बस। कहते हैं पुराने लोग, कहते हैं कि एक बात जो कानों में कान सुनते रहे तो वो असर हो जाती है, तो ये उनका ही असर मैं कह सकता हूँ। और उनसे ऊंचा गाने की बात, ये हम लोग म्यूजिकली इसको ऐसे कह सकते हैं कि रेंज हो सकती है ऊंची, बट उनसे ज्यादा ऊपर या ऊंचा नहीं मैं गा सकता, मैं तो ये कह सकता। अच्छा। अपने बारे में कुछ बताएं कि आप जलंधर से बिलोंग करते हैं, पंजाब? जी मैं पंजाब से, जलंधर जिला से, एक छोटा सा कस्बा है फिलौर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और फिर वहाँ एक शो में, ये आपने सभी ने देखा होगा सारेगामापा, 2016 में मैं सिलेक्ट हुआ था उसमें। फिर वहाँ साजिद भाई, वाजिद भाई जज थे, तो वो ऐसा एक सीन हो गया कि जो मैं बचपन से चाहता था कि जैसे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब है उनका नाम हुआ, मेरा भी कवाली के क्षेत्र में ऐसा नाम हो। अच्छा। तो सारेगामा अल्लाह ने वो दुआ सुन ली,
और जब सारे दामा पा में आया मैं तो वो भी कवाली के जरिए आया। और उस्ताद ये तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि ये शो वालों ने मुझे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का ही लकब दिया, बट मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उनका नाम अपने नाम के साथ लगा सकूं। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर वैसे जैसे खान साहब को पसंद करते हैं, मैं उनकी कवालियां गाता हूं तो लोग पसंद करते हैं कि हाँ जैसे खान साहब ने गाया आपने वैसा ही गाया इसको। क्या बात है। एक गाना कोई हो जाए जो आपकी पसंद का हो। जी मैं आपको खान साहब का एक सुनाता हूँ जो सारे गाना पा में भी काफी पसंद किया गया उसको। वो कहे कि चले इतनी मुलाकात बहुत है, मैंने रो रो के कहा अभी रात बहुत है, आंसू मेरे थम जाए तो शौक से जाना, ऐसे में कहाँ जाओगे बरसात बहुत है। और बॉम्बे में बरसात भी बहुत हो रही थी जिससे थोड़ा मौसम का फर्क भी गले पे देख रहा होगा थोड़ा सा वो हो रहा है। कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है, कोई खोए हुए औसान चला जाता है, हुस्न वालों से ये कह दो के ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, लहजे वालों से अल्लाह बचाए, इनकी मासूमियत पर ना जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना, लूट लेते हैं ये मुस्कुराकर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजर। ये बहुत खुशनसीबी हमारे कि आप हमारे बीच में पधारे, और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी ऐसा मौका मिले जब आप आए और हमारे लिसनर्स जो हमारे श्रोता हैं जो हमारे देखने वाले हैं उनको आपकी इस बेहतरीन जो कलाकारी है उसका एक बार और फिर से सुनने और देखने का मौका मिले। जी, बहुत जी। बहुत शुक्रिया। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप बहुत तरक्की करें और हमारी इंडस्ट्री को ऐसे बेहतरीन फनकारों की जरूरत है जो अपनी आवाज से रोंगटे खड़े कर दें। बहुत जी। और मैं नवप्रभा देखने वालों का सबका शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली शुक्रगुजार हूँ अमित भाई का और हमारे बड़े भाई राकेश उपाध्याय जी का, जिनकी बदौलत आप सभी के सामने आने का मुझे मौका मिला। और सभी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं अच्छा अच्छा गाता रहूं और सुरीला गाता रहूं और आप मुझे पसंद करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं और जब कभी भी मौका मिले अगर आपको इनसे तनवीर साहब से अगर कुछ पूछना है जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इनसे जरूर जल्दी ही फिर से मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे नवप्रभा लाइव के साथ। नमस्कार।